बाबू भैया नैना बुटका दाई माया हो संतान बे मेगा हाज पर घुमाऊ अपन आबू हम मिथिला के एके सूर रेडियो जनकपुर नमस्कार रेडियो जनकपुरसँग प्रसारित आ रेडियोके वेबसाइट रेडियो जनकपुर डट कम मार्फत संसारभरि प्रसारण फरहल मिथिला हालचालमे अपनेके स्वागत अछि। मिथिला हालचाल उपस्थित छी हम नितेश। मिथिला हालचाल शुरू करऽसँ पहिने सुनी अखन धरिके मुख्य हालचालक शीर्षक सँ। धनुषाके एक विद्यालयमे आब डिजिटल माध्यमसँ हाजिरी मोबाइल पूर्णता निषेध। यातायात कार्यालय जनकपुर में कर्मचारी आ दलाल के सेटिंग से सेवाग्राही सबके शास्ति। 20 लाख के कपड़ा केराव डीआईजी के फंदा में। लागू औसत सहित 3 युवक पकड़ाओ। बंदेल के आक्रमण से 7 घायल। ट्रैक्टर दुर्घटना में भैया के मृत्यु भाई घायल। लोकप्रिय बनित गेल बेटी शिक्षा बीमा। समाजवादी पार्टी में 2 गोटे अध्यक्ष 8 गोटे उपाध्यक्ष। समाजवादी पार्टी देश के 1 नंबर पार्टी बनत मुख्यमंत्री राउत के दावी। 2 वर्ष भीतर साक्षर नेपाल बनाए राष्ट्रपति के कहब। आपातकालीन अवतरण करे के क्रम में विमान में आग लगी 41 गोटे की मृत्यु। आ इंडियन प्रीमियर लीग के प्ले ऑफ समीकरण पूरा। अब हालचाल विस्तार से। धनुषाके एक विद्यालयमे नयाँ शैक्षिक सत्रसँ डिजिटल हाजिरी लागू कयल गेल अछि। तेनाहिते मोबाइल विद्यालयमे पूर्ण निषेध कयल गेल अछि। नयाँ शैक्षिक सत्र 2000 भए लगते नगरके शिक्षा स्थितिमे सुधार तथा विद्यालयके पठन पाठनमे गुणस्तरीयता प्रदान करबाक लेल धनुषाके धनुषाधाम नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित रहल माध्यमिक विद्यालय प्रीतपुर पर्वतामे फेरिङ्ग छाप डिजिटल हाजिरी लागल अछि। विद्यालयके समयमे कोनो कर्मचारी अनुपस्थित भेलाक बाद सेहो हाजिरी करय व्यवस्थाके हटबै तऽ डिजिटल हाजिरीसँ समयमे नहि आबयवला कर्मचारीके हाजिर स्वक्त कटा हो जायत। एनाहिते ओहिमे हाजिरी नहि भेल तऽ खण्डमे कार्यवाही समेत कयल जायत। वडा नम्बर 5 वडाध्यक्ष इन्द्र कुमार महतो बतौलनि। एहिके साथे विद्यालयके समय अवधि भरि मोबाइल फोन स्विच ऑफ करबाक लेल व्यवस्था समेत लागू कयल गेल अछि। विद्यालय समय अवधिमे ककरो मोबाइल फोन प्रयोग कयल गेलमे मोबाइल सीज करबाक नियम लागू कयल गेल अछि। यदि कोनो विद्यार्थी मोबाइल फोन लऽ कऽ आयलमे मोबाइल सीज करबाक रहल अछि तऽ ककरो इसकुल क्षेत्र भीतरमे गलत गतिविधिके साथे कोनो एहन पाओल गेलमे छूट नहि कयल जायत, कार्यवाही कयल जायत। वडाध्यक्ष महतो कहलनि ई विद्यालयमे 900 बेसी विद्यार्थी सबके अध्ययन अध्यापन कऽ रहल अछि। सामुदायिक विद्यालयके अवस्था सुधारके लेल ई प्रणाली लागू कयल गेल जनौलक अछि। यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर धाममे दलाल आ कर्मचारी बीच सीटिंग मिलाकऽ काम करऽके क्रम बढ़लाक बाद सेवाग्राही सब शास्ति पाबऽ लागल अछि। किछु समय एम्हर दलाल आ कर्मचारी बीच मिलोमत बढ़लाक बाद सेवाग्राही सब जल्दी जल्दी सेवा सब वञ्चित भेल अछि। घटनो देशसँ घंटोसँ लाइनमे बैसल हमसब सेवाग्राही सबके लाइनमे एम्हर ओम्हर करितो बाधो कर्मचारीके हपकी खाय पड़ैत अछि। रवि दिन मोटरसाइकिलके लाइसेंस नवीकरण कराबऽ आयल सरलाही सुन्दरपुरके मुमताज अंसारी असंतुष्टि व्यक्त करैत दलाल सबके बिचलीमे आयल बिल बुक फेंक कऽ एक कनिखालमे अवेबला करू, ओ सब काम करैत बाद जाइत अछि, नहि तऽ हुनका सबके ककरो गारि पड़ैत अछि, नहि तऽ ककरो हपकैत अछि। दलाल सङ्ग कर्मचारीके साँठगाँठ मिललाक बाद
मुस्कान सहितके सेवा प्रदान करबा कहल गेल सरकारी नारा सेहो कागजातमे मात्र सीमित बन्न पुगल अछि। कैलाकि इमानदारीपूर्वक लाइनमे बैसिकऽ सेवा प्राप्त करऽ चाहेवला सेवकराही सब अक्सर एहिठाम कर्मचारीके हपकी आ अभद्र व्यवहारके सामना करऽ पड़त दृश्य सामान्य बनि चुकल अछि। एहि सम्बन्धमे निमित्त कार्यालय प्रमुख अजीम मुसहरजन कार्यालयमे सेवाग्राही सबके भीड़ भाड़ बढ़लाक बाद समस्या भेल बतौलनि। ओ दलालके भीतर प्रवेश कराबऽ काम नहि कराबऽ समेत दावी कयलनि। प्रहरी 20 लाख मूल्य बराबरके आरोप आलमके कपड़ा आ केराव बरामद कयलक अछि। प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर आ इलाका प्रहरी कार्यालय माडर सिरहासँ खटल गेल प्रहरीके टोली ई सामान बरामद कयलक अछि। प्रदेश 2 के प्रहरी प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पालके अनुसार 50 किलोग्रामके 440 केरावके बोरा सोमदिन भिनसर 8:30 बजे सिरहा नगरपालिका 17 स्थित संजीव शाहके गोदामसँ भारत दिसन लजबाक क्रममे बरामद कयल गेल अछि। ई केराउके मूल्य अंदाजी 10,28,000 रहल प्रहरी जनौलक अछि। एम्हर रवि दिन बेरिया 4 बजे वीरगंज महानगरपालिका 16 स्थित भनसार बिनाके लाओल गेल गोप्य सूचनाके आधारमे 10,50,000 बराबरके विभिन्न परिमाणके कपड़ा बरामद कयल गेल। डीआईजी पाल जानकारी देलनि। एहि सम्बन्धमे थप अनुसन्धान भऽ रहल ओ बतौलनि। लागू औषध सहित 3 गोटे युवक पर सा प्रहरी सोमदिन पकड़ाओ गेल अछि। पकड़ाओ पड़ैवलामे मकवानपुर रासरिंगरांग गाँवपालिका 1 के मार्था मुक्तान संदेश गोले आ बीरगंज 10 के रोशन कानू रहल अछि। मुक्तान आ गोले के 720 किलो लागू औषध गांजा आ कानू के 775 पीस लागू औषध नाइट्रोभेट टैबलेट बरामद कयल गेल परसा प्रहरी जनौलक अछि। वीरगंज महानगरपालिका 31 मिलन चौकमे चेक जाँच करऽके क्रममे मुक्तान आ गोलेके लागू औषध गाँचा नुका कऽ भारत दिसन लऽ जा रहल अवस्थामे पकड़ाउ कयल गेल परसा प्रहरी उपरीक्षक रिप्ति ढकाल जानकारी देलनि। सीमावर्ती शहर भारतके रक्सौलसँ लागू औषध नाइट्रोभेट टैबलेट खरीद करबाक शरीरमे नुका छिपा कऽ लबै रहल कानूके वीरगंजके घंटाघर चौक नजदीक शंकास्पद अवस्थामे जा रहल देखलाक बाद नियन्त्रणमे लऽ कऽ चेक जाँच करऽके क्रममे लागू औषध भेटल छल। हाल 3 गोटेके लागू औषध मुद्दामे जिला अदालत प्रशासनमे थप कऽ अनुसन्धानके लेल जिला प्रहरी कार्यालय राखल गेल अछि। एम्हर वीरगंजके नागवासँ अवैध घरेलु मदिरा सहित 3 गोटेके प्रहरी पकड़ाउ कयलक अछि। पकड़ाउ पड़ैवलामे बारा निजगढ़ नगरपालिका 4 के सुषमा लामा आ अनिता लामा आ ऑटो रिक्शा चालक सरलाही घर भ हाल वीरगंज 10 रानी घाटमे रहित आयल राजेश ठकुरी रहल अछि। प्रहरी चेक जाँच करबाक क्रममे लू दुह 4216 नम्बरके ऑटो रिक्शामे 60 लीटर अवैध घरेलु मदिरा लाओल गेल अवस्थामे 3 गोटेके पकड़ाउ कयलक अछि। भारतसँ सीमा जुड़ल सरलाहीके विष्णु गाँवपालिकामे सोमदिन जङ्गली बन्देल यानि कि बनसुगरके आक्रमणमे पड़ि 7 गोटे घायल भेल अछि। खेतमे काम कऽ रहल कालमे बनसुगरके आक्रमणसँ विष्णु गाँवपालिका 6 के 40 वर्षीय शङ्कर माझी, 55 वर्षीय राम इकबाल राय, 63 वर्षीय किशोर मण्डल, 32 वर्षीय नवीन यादव, 30 वर्षीय दुलार राय यादव, 35 वर्षीय रामदुलार राय आ 52 वर्षीय चुलाय राय घायल भेल। प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीत रोठौर जानकारी देलनि। बनसुगरके आक्रमणमे पड़ि राम इकबाल गम्भीर घायल भेल अछि तऽ निर्घालमे गहीर घाव भेल राम इकबालके सरलाही जिला अस्पतालमे इलाज भऽ रहल अछि। अन्य 6 गोटेके अवस्था सामान्य रहल आ स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामे इलाज भऽ रहल प्रहरी जनौलक अछि। किछु दिन अगाडि सरलाहीके चक्रघट्टा गाँवपालिकामे सेहो बन्देलके आक्रमणसँ 1 दर्जनसँ बेसी आदमी घायल भेल छल। सरलाहीके दक्षिण पश्चिम क्षेत्र स्थित बसबरिया गाँवपालिका 3 मानपुर ब्यारेज नजदीक सोमदिन दुपहर ट्रैक्टर दुर्घटना होबसँ 1 गोटेके मृत्यु भेल अछि। 1 गोटे गंभीर घायल भेल अछि। गाँवके भीतर सड़कमे जँ 7120 नम्बरके ट्रैक्टर अनियन्त्रित भऽ पलटलासँ ओहि ठाउँके उपेन्द्र महतोके 18 वर्षीय बेटा आशिक महतोके मृत्यु भेल अछि तऽ महतोके इलाजक लेल बढ़तपा लाबाक क्रममे रस्तेमे मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। मृतक महतो ओहि ट्रैक्टरके चालक रहल छल तऽ दुर्घटनामे मृतक आशिकके भाइ 16 वर्षीय आदित्य महतो गंभीर घायल भेल अछि। हुनका बढ़तपामे सामान्य इलाज कऽ कऽ थप इलाजक लेल वीरगंज रेफर कयल गेल प्रहरी जनौलक अछि। निभा सदा खुशी गदगदसँ देखल गेल अछि। 35 वर्षीय सरिता देवी सदा अपने पढ़ऽ नहि पौलाक बाद दुःख व्यक्ति सबके साक्षी रखैत आयल अछि। ओ बेटीके
निधार प्रदेश दू के सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत माघ एम्हर जन्मल बेटी सबके नाम में जीवन बीमा कार्यक्रम शुरू कल बेटी शिक्षा बीमा मदती बचत कार्यक्रम लाओल गए सरकार के सुविधा लेब सरिता 15 किलोमीटर रास्ता जाकर जनकपुर धाम आयल छे व घर धनुषा के क्षीरेश्वर नाथ नगरपालिका छ सखुआ महेंद्रगर में पड़ित आय बीमित बेटी सबके 20 वर्षक बाद 1,25,000 के हकदार बनल मुख्यमंत्री कार्यालय में बेटी के बीमा करेबा आब के भीड़ लागल 70 गोटे बेटी के बीमा खाता खुल चुकल 1,000 से बेसी बेटी के बीमा के लिए आवेदन पड़ल बीमा कराब आयल ई हक दियाब बेटी के बिकने सरिता मुख्यमंत्री कार्यालय पुगल छल व मुसर समुदाय के रहा तराई के अति विपन्न सूची में पड़े निभा ई जात सरकार के सब सुविधा सब बेखर रहते दिनहु मूसा घोंघे गंगटा माछ मरल तरकारी खाते देशभर करीब 13 लाख मुसर सबके जनसंख्या रहल मुस्लिम के 7% साक्षर रहा तो दैनिक मालिक के खेत में काम कर छाक टाड़बा कैल सरिता बेटी काख में चैप कर प्रदेश दू के सिंह दरबार टेक ई पहल रास्ता रहा संघीय समाजवादी पार्टी नया शक्ति पार्टी नेपाल पार्टी बीच एकीकरण भेलाक बाद बनल समाजवादी पार्टी नेपाल के केन्द्रीय पदाधिकारी घोषणा कलक एकता के बाद बनल पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष में उपेन्द्र यादव आ संघीय परिषद के अध्यक्ष में डॉक्टर बाबूराम भट्टराय रहल तैरती वरिष्ठ नेता में अशोक राय तथा पार्टी के सह अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ रहा उपाध्यक्ष में 8 गोटे के राखल गए त उपाध्यक्ष में नवराज सुवेदी परशुराम खापुंग युवराज कार्की रकम चेमजोंग रेणु कुमार यादव हसीला यमी लालबाबू राउत आ हेमराज राय रहा तेनाते 3 गोटे महासचिव में गंगा नारायण श्रेष्ठ राम सहायद प्रसाद यादव रहा त उप महासचिव में डिम्पर खतिवड़ा दान बहादुर विश्वकर्मा आ प्रकाश अधिकारी कक 3 गोटे रहा पार्टी के सचिव में संघीय सरकार के वर्तमान शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राय दुर्गा शोभ परशुराम बस्नेत आ प्रशांत सिंह कक 4 गोटे रहा पार्टी के कोषाध्यक्ष में प्रदेश नंबर 2 के अर्थमंत्री विजय यादव जिम्मेवार पौने प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत आब समाजवादी पार्टी देश के मुख्य पार्टी होबाक दावी कलक काठमांडू के प्रज्ञा प्रतिष्ठान में भेल पार्टी एकता घोषणा सभा में बजत मुख्यमंत्री राउत नवगठित समाजवादी पार्टी नेपाल देश के मुख्य पार्टी बनवाक दावी कलन व कतेको वर्ष में देश के प्रमुख पार्टी बन लागल बारे में किछु कहने खुलौने नहीं छो अन्य पार्टी के नेता सबके असमावेशी भेल कहित व समावेशी शीर्ष नेता समाजवादी में मात्र रहल जिक्र कलन दूटा जातीय कलस्टार के नेता समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष भेल कहित व मुलुक सेह अहि समावेशी शैली में संचालन करबाक बतौलन हम सब ई देश में समाजवाद स्थापित करब मुद्दा लोने छी अगाड़ी बढ़ रहल छी व कहलन ई मुद्दा से हम सब देश के एक नंबर बनब अन्य पार्टी के नेता सबके समाजवादी पार्टी के जतेक सक्षम आ विद्वान नहीं भेल कहित व राउत अहि 26 सिंह दरबार कब्जा करबाक शक्ति में पुग व दावी कलन राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी आगामी 2 वर्ष भीतर साक्षर नेपाल घोषणा करबाक बतौने छले सरकार के भौतिक आ आर्थिक लगानी बढ़ उक्त लक्ष्य पूरा कर वो विश्वास समेत व्यक्त कलन व्यवसायी चंद्र ढकाल आ हेमराज ढकाल 5,28,00,000 के लगानी में निर्माण केने बागलुंग नगरपालिका 12 अमलाचोड़ स्थित पृथ्वी हरिणय मावी के आधुनिक भवन के सोमदिन उद्घाटन करते राष्ट्रपति सब नेपाली के बेटा बेटी के शिक्षा आ स्वास्थ्य के सेवा सहज बनेबाक सरकार सक्रिय भेल बतौने छले राष्ट्रपति भंडारी पौष्टिक आहार आ शिक्षा नंग मासु जेहन भेल हरेक धियापुता के आधारभूत तौ के शिक्षा आ पौष्टिक आहार पेबाक अधिकार दियाब चाँसो बढ़ौने धारणा रखलन व संघीय सरकार सँ स्थानीय तह तक के शिक्षा आ पौष्टिक आहार में लगानी बढ़ल गेल में देश विकास में सहयोग पुबाक बतौलन व गाँव में बस रहित आयल आ गाँवे में रमित आयल जमीन आ माटि के सदुपयोग करबाक लेल सेहो जोर देलन आब हरेक विद्यालय आ घर घर में करेसा बारी में पनपरित भंडारी कहलन करेसा में तरकारी फलाक सबके स्वास्थ्य खेबाक वातावरण बनाओ अनेक सँ हरेक विद्यालय में हरियाली बनेबाक सबके आग्रह कलन शांत आ स्वच्छ वातावरण में पढ़वाक पाव अवसर सृजना कर समाज के अगुवाई के आग्रह कलन हरेक विद्यालय में गुणस्तर विकास करबाक नैतिकवान आ स्वाभिमान नागरिक उत्पादन कर खाल में रहें भंडारी कहलन राज्य के लगानी में नागरिक लगानी मिर्चा का प्राविधिक आ उत्पादन मुख्य शिक्षा देव पहल कने राज्य के लगानी के मात्र प्रतिफल नहीं आब तक ओ चिंता व्यक्त कलन
आब पायापार खालचल। रूस में एक यात्रुभाग विमान आग लगी होबो से कमती में 41 गोटे के जान जा चुकल छो। विमान में समस्या देखलाक बाद हो मस्को विमानस्थल में आपातकालीन अवतरण करा लागल छल। अवतरण के क्रम में विमान में आग लगल छो। विमान में चालक दल के 5 गोटे सहित 78 गोटे यात्रु सवार रहल छल। 37 गोटे जीवित रहल आ किछु घायल भेल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौलक छो। रूस के सरकारी विमान कंपनी एयरफोल्टा के अनुसार विमान में किछु समस्या देखलाक बाद हो विमान दिशा घुमाउने छल। अहि बारे कम्पनी विस्तृत जानकारी सेहो देने नै छ। सामाजिक सञ्जालमे आबि रहल भिडियोमे यात्रु सबके विमानमे आपतकालीन गेटसँ निकलिकऽ भागि रहल छल। भिडियोमे विमान अवतरण भ रहल कालमे कारी धुआँ सेहो फैल रहल देखल गेल छ। सुइखो सुपरजेट सही विमान मस्को के सेर्मियोता एभो विमानस्थलसँ मार्क्सके लेल उडान कऽ रहल छल। विमानमे प्राविधिक समस्या देखलाक बाद उडान भऽ रहल किछु समय एम्हर विमानस्थल आपतकालीन अवतरणके लेल फिर्ता करौने छल। रूसी राष्ट्रपति मालदिवीर पुटिन दुर्घटनामे ज्यान गुमाबला परिवारके सदस्य सबके समवेदना प्रकट केने छु। आब खेल हलचल। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल अंतर्गत में लीग के चरण 60 प्लेऑफ के समीकरण पूरा भेल छ। प्रत्येक टीम 14 खेल पूरा केलक अछि। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में पुगवा सफल भेल छ। शीर्ष तीनटा टीम समान 18 अंक में रहल रवि दिन जीत हाथ पड़े तो मुंबई शीर्ष स्थान में आयल छ। चेन्नई पंजाब संग पराजित भेल कारण दोसर स्थान में गिरल त दिल्ली कैपिटल्स हो इलिमिनेटर खेल भेल छ। जैमे 12 अंक बनाकर प्लेऑफ में पुग सफल दोसर टीम हैदराबाद कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई इंडियंस संग पराजित भेल संगे हैदराबाद के भाग्य चमकल छ। वो कोलकाता के रन रेट में पाछा पड़ित प्लेऑफ के मौका पौलक छ। लीग चरण के अंतिम खेल में मुंबई कोलकाता के 9 विकेट से भारी अंतर से हरौलक। उनकर 20 ओवर में 7 विकेट के क्षति में 133 रन बनौने छल। जैसे मुंबई 16.1 ओवर में 1 विकेट के क्षति में प्राप्त कलक। मुंबई के लिए क्विंटल डिकॉक 30, रोहित शर्मा अभिजीत 55 आ सूर्य कुमार यादव अभिजीत 46 रन के योगदान दिलन। मिथिला हलचल समापन। सब एक बेर फिर मुख्य हलचलक शीर्षक। धनुषा के एक विद्यालय में आप डिजिटल हाजिरी मोबाइल पूर्णता निषेध। यातायात कार्य जनकपुर में कर्मचारी आ दलाल के सेटिंग से सेवाग्राही सबके शास्ति। 20 लाख के कपड़ा केराव डीआईजी के फंदा में। लागू सचै 3 युवक पकड़ाओ। बनसुगर के आक्रमण से 7 गोटे घायल। ट्रैक्टर दुर्घटना में भैया के मृत्यु भाई घायल। लोकप्रिय बनत गेल बेटी शिक्षा बीमा। समाजवादी पार्टी में 2 गोटे अध्यक्ष 8 गोटे उपाध्यक्ष। समाजवादी पार्टी देश के एक नंबर पार्टी बनत मुख्यमंत्री राव तक दावी। 2 वर्ष भीतर साक्षर नेपाल घोषणा करब राष्ट्रपति के कहब। आपातकालीन अवतरण कर के क्रम में विमान में आग लगी 41 गोटे के मृत्यु। आईपीएल लीग के प्लेऑफ समीकरण पूरा। अहि के संगे रेडियो जनकपुर से प्रसारित मिथिला हालचाल से हम नितेश तेना प्राविधिक सहयोगी धर्मेंद्र जी के धन्यवाद देत विदा चाहे छी। एना सुनैत रहू रेडियो जनकपुर 97 MHz। नमस्कार। चलै चलू लेमुआ टोल चलै चलू। श्री श्री 1 से 8 श्री विष्णु महायज्ञ या बैसाख 29 गते रवि दिन से 9 दिन ढेर होवे वाला विष्णु महायज्ञ में सब गोटे चले चलू जी। ये महायज्ञ में रंग बिरंगे कलात्मक मूर्ति के संगे राम नाम संकीर्तन, खेल, तमाशा, झूला, मौत के कुआं, सर्कस, नाच, नेपाल भारत के नामी नामी पहलवान सबके पहलवानी के संगे कबीर नाटक सेहो होवे जा रहल है। कलश यात्रा या बैसाख 29 गते रवि दिन भोर 6:30 बजे कोरारी स्थान से प्रस्थान क के बछराधा नदी के भाव में जल भरल जाए। महायज्ञ स्थल शहीद नगर नगर पालिका वार्ड नंबर 7 नेमुआ टोल कोरारी पोखरी जटा बाबा के स्थान। अब तो हुआ यह जो बुझाए छे हाथ काट का हटा ली थी। ओ बाबा आइए आई में से तो पानी छ बह है कि कहो भौजी कत कत चेक करा लियो बाऊ आई कत हुआ है दोनों बाह में भगल है तो बुआई छी कैला डॉक्टर प्रमोद कुमार झा आर लंग में चेक करा लियो।
जी हाँ, डॉक्टर प्रमोद कुमार झा आर MBBS MD छाला यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ जे लालगढ़ अस्पतालक वरिष्ठ चिकित्सक छे जे अपने जनकपुरक रेलवे स्टेशन आ भंसार कार्यालय के बीच में रहल डॉल्फिन मेडिकल सेंटर में बुध शुक्र आ शनि दिन बैसे छे। संपर्क मोबाइल नंबर 98016 22 11 98 68 16 44। जनकपुरक सुप्रसिद्ध आ अत्याधुनिक इक्विपमेंट सब व्यवस्थित भेल एकमात्र विश्वासिलो हॉस्पिटल गोदावरी मॉडर्न हॉस्पिटल प्राली। 24 घंटा हमरा सबक सेवा सब इमरजेंसी सेवा OPD सेवा स्त्री तथा प्रसूति रोग सेवा जनरल तथा लेप्रोस्कोपी सर्जरी सेवा जनरल फिजिशियन सेवा विशिष्ट अनुभवी द्वारा